एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अक्सर फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। नुकसान वाले साइड इफ़ेक्ट का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। अगर आप भी धड़ल्ले से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रा सावधान होने की ज़रूरत है। दरअसल वॉशिंगटन में रहने वाली 55 वर्षीय महिला को एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी। एंटीबायोटिक लेने के कारण पहले महिला की जीभ काली पड़ गई और उसके बाद उस पर बाल उग गए। डॉक्टरों का कहना है कि महिला को ये परेशानी माइनोसाइक्लाइन नामक एंटीबायोटिक लेने के कारण हुई। माइनोसाइक्लाइन के साइड इफेक्ट के बारे में इंग्लैंड जर्नल मैगजीन में भी कई बार खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं। हालांकि महिला का बाद में फिर से इलाज किया गया, जिसके बाद महिला की समस्या दूर हो गई। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप किसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें तो सोच समझ कर और जाँच परख कर करें, क्योंकि जान बचाने के लिए पहचानी जाने वाली एंटीबायोटिक कई बार घातक साइड इफेक्ट दे जाती है। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अक्सर फायदेमंद होता है, लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। नुकसान वाले साइड इफेक्ट का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। अगर आप भी धड़ल्ले से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरा सावधान होने की जरूरत है। दरअसल वॉशिंगटन में रहने वाली 55 वर्षीय महिला को एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी। एंटीबायोटिक लेने के कारण पहले महिला की जीभ काली पड़ गई और उसके बाद उस पर बाल उग गए। डॉक्टरों का कहना है कि महिला को ये परेशानी माइनोसाइक्लाइन नामक एंटीबायोटिक लेने के कारण हुई। माइनोसाइक्लाइन के साइड इफेक्ट के बारे में इंग्लैंड जर्नल मैगजीन में भी कई बार खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं। हालांकि महिला का बाद में फिर से इलाज किया गया, जिसके बाद महिला की समस्या दूर हो गई। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप किसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें तो सोच समझ कर और जाँच परख कर करें, क्योंकि जान बचाने के लिए पहचानी जाने वाली एंटीबायोटिक कई बार घातक साइड इफेक्ट दे जाती है। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब।